गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेमेडी लेकर आई हूँ। आज की रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने हेयर्स को सिल्की स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं। गाइज़, काफ़ी लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा डल, ड्राई और रफ होते हैं, भूरे दिखने लगते हैं, क्योंकि उनके बालों में बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं मिल पाता है। तो गाइज, आज की रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइज, मैं आज की रेमेडी प्रिपेयर करूँ उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, थोड़ा भी पॉइंट मत मिस कीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइज, मैं जो आज का फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ वो पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो किसी और कंपनी का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप नेचुरल एलोवेरा भी जो आपके घर में लगा हो या आस पड़ोस में एलोवेरा का प्लांट लगा हो, उस एलोवेरा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज, एलोवेरा जेल आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके रफ़ और ड्राई हेयर्स को रिपेयर करता है, जिससे आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइज, मेरा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है सरसों का तेल। गाइज, सरसों का तेल आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी लोग इसका खाना बनाने में यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग इसका बॉडी मसाज के लिए यूज़ करते हैं, पर मैं इसको हेयर्स के लिए भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ और शाइनी होना स्टार्ट होता है, हो जाते हैं। स्पेशली इससे आपके बाल शाइनी ज़रूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइज, मैं रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्लीन बाउल लेना चाहूँगी। गाइज, मैं इस क्लीन बाउल में 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले रही हूँ और 1 टीस्पून सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर मैं ये दोनों ही चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूँ। गाइज, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ डेमो के लिए बता रही हूँ कि आपको दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। गाइज, आप इसे अपने फिंगर की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। गाइज, अभी पेस्ट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने हेयर्स को नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं। अगर आपके बालों में ऑयलिंग है तो आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए, नहीं है तो नॉर्मल वाटर से वॉश करके अपने बालों को सुखा लीजिए, जिससे आपके बालों का पूरा डस्ट निकल जाए। उसके बाद आप इसे अपने बालों की जड़ों पर इस तरीके से जेंटली मसाज करें। अगर आप चाहें तो इसे बालों की लेंथ में भी लगा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, गलती से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है तो आप इसको अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए। आप इसका वीकली 2 से 3 टाइम यूज़ करें, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इंस्टेंटली आपके हेयर्स को रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाएगा। सो गाइज, ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए और भी शानदार रेमेडीज लेकर आती रहूँगी। तब तक लिए आप मेरी इस चैनल की सारी वीडियोज़ देखिए और उसे अप्लाई करें, और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में।